अमेरिकन रैपर, सॉन्ग राइटर और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर एमएनएम, इनको कौन नहीं जानता। इनका रियल नेम है मार्शल ब्रूस मैथर्स थर्ड और इनकी मदर को लेकर एक बहुत ही बड़ी दुखद न्यूज़ निकल के आई है। 69 की एज में आज उनका निधन हुआ है। 4 सितंबर 2024 को न्यूज़ निकल के आई थी कि इनकी मदर को लंग कैंसर है, जिसके चलते उनका ट्रीटमेंट जारी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस बैटल को जीत ना सकी और आज उनका निधन हुआ है। हालांकि एमएनएम का इनके साथ एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप था। एमएनएम ने एक सॉन्ग डेडिकेटेड किया था द स्लिम शेडी, उस टाइम उन्होंने ये बात बताई थी कि इनकी जो मदर हैं वो ड्रग्स वगैरह लेती हैं, इस टाइप का इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। और उसके बाद इनकी मदर ने एमएनएम को सू कर दिया था, यानी कि केस कर दिया था डिफेम करने के चक्कर में। उसके बाद वो केस जीत भी गई थी और उनको $25,000 एज अ सेटलमेंट मनी मिला था। हालांकि कुछ ज़्यादा अमाउंट का मनी नहीं था, जितना इनको मनी मिला था उतना तो इनके लॉयर ही ले गए थे, लेकिन इस टाइप से चला था। उसके बाद इनकी जो मदर है उन्होंने भी एक सॉन्ग डेडिकेटेड किया था इनको डियर मार्शल करके। तो इन दोनों के बीच में इस टाइप के टेंशन्स और सॉन्ग्स आते रहे थे, तो इतना कुछ खास रिलेशनशिप नहीं था न्यूज़ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग। हाल फिलहाल के लिए एमएनएम ने उनके सोशल मीडिया हैंडल पर कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर रिएक्शन नहीं दिया है, जिस टाइप से अदर सेलिब्रिटीज़ देते हैं जब उनका कोई फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा होता है। तो आप क्या कहना चाहोगे, आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस टाइप की लेटेस्ट सेलिब्रिटी न्यूज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।